नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप ऑर्गेनिक कार्डियोलॉजिस्ट। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने बेसिक ईसीजी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 किया है, अभी हम लेक्चर 3 करने वाले हैं। तो अभी तक हमने पी वेव्स, क्यूआरएस वेव्स और बाकी के एस्टिलेशन में ईसीजी कैसे आता है, ये सब चीज़ें सीखी। तो अगर आप चाहते हैं तो जस्ट हम एक क्विक रिमाइंडर देखते हैं। तो हमने एलवीएच भी देखा है, ठीक है, राइट एट्रियल एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखा है, कंडीशन विद टॉल आर इन V1 देखा है, LVH और RVH का डिफरेंस देखा है, QRS कॉम्प्लेक्स देखा है, ठीक है, शॉर्ट PR इंटरवल, लॉन्ग PR इंटरवल, पी पल्मोनरी, पी मिट्रल, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, पी वेव कैसा होता है और 10 रूल देखे, ठीक है, ये सब हमने देखा है। अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो सबसे पहले पेन और पेंसिल लेके, पेन पेंसिल और कॉपी लेके बैठे। दूसरा, ये लेक्चर देखने के पहले बाकी के 2 लेक्चर आपको देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बाकी के लेक्चर, पुराने 2 लेक्चर देखेंगे नहीं, तब तक ये लेक्चर आपको समझेगा। तो आगे बढ़ते हैं। टी वेव नॉर्मल टी वेव जो होती है वो असिमेट्रिकल होती है, ये आप ध्यान में हमेशा रखिए। फर्स्ट हाफ यानी जो पहला पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा नीचे की तरफ जाते हैं और सेकंड पार्ट थोड़ा कम नीचे की तरफ जाता है। ये 1/8 होते, शुड बी एटलीस्ट 1/8 बट लेस देन 2/3 ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ आर वेव से। तो आर वेव आप जब देखेंगे, आर यानी ऊपर की तरफ देखने वाला जो QRS का पार्ट है, पीक वाला, तो उसके 1/8 रहती है या फिर लेस देन 2/3 रहती है। टी वेव एम्पलीट्यूड जो रहती है वो जनरली 10 से नीचे ही रहती है, यानी उसका जो हाइट अपन पकड़ के चलेंगे वो 10 से कम रहती है। एबनॉर्मल टी वेव जो रहती है वो सिमेट्रिकल रहती है, टॉल रहती है, पीक रहती है, बायफेजिक रहती है, इन्वर्टेड रहती है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर टी टॉल रहता है तो वो एबनॉर्मल है, टी अगर शॉर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। और टी वे और QRS डिफ्लेक्शन ये हमेशा साथ में रहते हैं, यानी सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि टी वे जो है ये QRS का छोटा भाई है, ये जहाँ पे QRS जाएगा उसी की तरफ रहेगा, QRS के डायरेक्शन में ही रहेगा। और जो आर वेव जो है QRS में से, आर वेव उससे छोटा ही रहेगा, ठीक है, तो उसका छोटा भाई है टी वे। अभी टी वेव इसमें आप देख पा रहे हैं, 1, 2, 3 में देख पा रहा है, AVR, AVL में, AVF में देख रहा है, V1, V2, V3 में आपको टी वेव, सब जगह पे टी वेव देख रहे हैं। अभी उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में बात आती है QT इंटरवल, टोटल ड्यूरेशन ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, यानी क्यू वेव जहाँ से चालू होता है और टी वेव जहाँ पे ख़त्म होता है उसको QT इंटरवल बोलेंगे। तो उसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, रिलैक्स भी होगा। डीपोलराइजेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट होना, और रीपोलराइजेशन जैसा आपको पता है यानी रिलैक्स होना। तो रीपोलराइजेशन यानी रिलैक्स, आर फॉर रिलैक्स, RR ऐसा ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। QT इंटरवल डिक्रीजेस व्हेन हार्ट रेट इंक्रीजेस, अगर हार्ट रेट बढ़ जाता है तो QT इंटरवल कम हो जाता है, ये ध्यान में रखिए, आगे अपने को पता चलेगा कैसे। सब आप एक एग्जांपल पकड़िए कि हार्ट रेट अगर 70 है तो QT इंटरवल लेस देन 0.40 सेकंड्स रहेगा। QT इंटरवल जनरली एक नॉर्मल रेंज जो है उसका वो 0.35 टू 0.45 सेकंड्स है। और इसका एक रूल है कि ये शुड नॉट बी मोर देन हाफ ऑफ द इंटरवल बिटवीन एडजेसेंट आर, यानी जो RR इंटरवल रहेगा उसका हाफ से वो ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, QT जो इंटरवल रहेगा वो, ठीक। अभी आगे आपको पता चले। अभी ये देखिए, इसमें देखिए QT इंटरवल, द QT इंटरवल इज मेजर्ड इन, QT इंटरवल इज मेजर्ड इन लीड AVL एज दिस लीड डज नॉट हैव प्रोमिनेंट UVS, ये आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जो AVL में ये हमेशा जनरली मेजर किया जाता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जनरली पी वेव मॉर्फोलॉजी देखना है तो ये लीड 2 में देखते हैं या V1 में देखते हैं, तो वैसे ही QT अगर आपको मेजर करना है तो हमेशा AVL में देखना है।
लीड टू जो है वो लिम, ये सबसे इंपॉर्टेंट लीड है कोई भी मॉर्फोलॉजी देखने के लिए, लीड टू, ठीक है। तो उसे हम लॉन्ग लीड भी बोलते हैं। तो क्यूटी इंटरवल वैसे ही ध्यान में रखिए कि एवीएल में देखना है, क्योंकि इसमें यूएज जनरली मिलते नहीं, ठीक है। अभी यूएज, आप अभी यूएव का मेंशन है तो यूएव देखते हैं। यूएव जो होता है वो रिलेटेड टू आफ्टर डीपोलराइजेशन विच फॉलोज रीपोलराइजेशन। अभी रीपोलराइजेशन बोले तो टी वेव, टी वेव के बाद में फिर से डीपोलराइजेशन जो होता है उसको यूएव आता है। तो यूएव जो जनरली होता है वो स्मॉल होती है, राउंड, सिमेट्रिकल एंड पॉजिटिव लीड टू विद एम्पलीट्यूड लेस देन टू। तो ध्यान में रखिए टू और टू का रूल, लीड टू में मिलेगी और एम्पलीट्यूड लेस देन 2 mm मिलेगा। यू वेव हमेशा टी वेव के डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि ये टी वेव का छोटा भाई है। और जब स्लो हार्ट रेट मिलता है, हाइपोकैलेमिया मिलता है, तब ये जनरली ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। तो यू वेव के बारे में हमने देखा, टी वेव का छोटा भाई यू वेव है, टी वेव के बाद में आएगा, लीड टू में अच्छे से दिखेगा और एम्पलीट्यूड लेस देन 2 mm रहेगा। उसके बाद में हार्ट रेट कैसे अभी कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने आपको एक ईसीजी दिखाया और मैंने आपको पूछा कि ये ईसीजी का हार्ट रेट कितना है, तो आपको बताना आना चाहिए। तो उसमें दो रूल्स है, रूल ऑफ 300, रूल ऑफ 1500 और 10 सेकंड रूल, रूल ऑफ 300, 1500, अभी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रूल ऑफ 300, तो रूल ऑफ 300 क्या बोलता है, रूल ऑफ 300 ये बोलता है कि काउंट द नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस बिटवीन टू क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड डिवाइड दिस इनटू 300। तो जो बिग बॉक्स है वो कितने आ रहे दो क्यूआरएस के बीच में, वो उतने से अपने को 300 को डिवाइड कर देना है। अगर स्मॉल बॉक्सेस है तो 1500 को डिवाइड करने देना। अभी देखेंगे एग्जांपल, अभी इसमें देखिए, ये ईसीजी देखिए, 300 डिवाइडेड बाय लार्ज बॉक्स हमने डिसाइड किया है, है ना। तो अभी इसमें देख पा रहे आप, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दो क्यूआरएस के बीच में मोटा मोटी 6 बॉक्स है बड़े वाले। तो 300 डिवाइडेड बाय 6 50 आ गया, तो ये हो गया ये ईसीजी का हार्ट रेट, ठीक है। 300 डिवाइडेड बाय 6 बड़े बॉक्स है, दो क्यूआरएस, ये जो क्यूआरएस दिख रहे हैं सक्सेसिव उसके बीच में आप देख रहे हैं, तो इतना हार्ट रेट आ रहा है 300 भागीला डिवाइडेड बाय 6 यानी 50 हार्ट रेट। अभी इसमें फिर से आप देखेंगे, इसमें भी हमने देखा है, अभी ये ईसीजी में देखते तो दो क्यूआरएस के बीच में मोटा मोटी 4 लार्ज बॉक्स आ रहे हैं, तो 300 डिवाइडेड बाय 4 75 हार्ट रेट आ रहा है, ये हो गया। फिर अभी इसमें देखिए, इसमें मोटा मोटी दो क्यूआरएस के बीच में डेढ़ लार्ज बॉक्स आ रहा है, सिर्फ डेढ़ लार्ज बॉक्स, है ना। तो डेढ़ लार्ज बॉक्स जो आ रहा है उसको 300 डिवाइडेड बाय 1.5 यानी 200, है ना। तो ये टैकीकार्डिया है ना। कौन सा टैकीकार्डिया है, कैसा टैकीकार्डिया है, वो आगे हम डिस्कस करने वाले। अगर 100 से हार्ट रेट ज़्यादा है तो उसको हम टैकीकार्डिया बोलेंगे, और 60 से हार्ट रेट अगर कम है तो उसको हम रैडिकार्डिया बोलेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में रूल ऑफ 300 तो समझ गया, अभी इसको इजी कैसे। तो अगर एक बॉक्स है तो 300, दो बॉक्स है तो हार्ट रेट 200 150, तीन बॉक्स है तो 100, चार बॉक्स है तो 75, पांच बॉक्स है तो 60, छह बॉक्स है तो 50, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो इसके लिए एक छोटा सा रूल दिया, लेकिन ये बहुत ही ईजी है मेरे हिसाब से कि ये 300 को आप जितने बड़े बॉक्स है उतना तुरंत आप डिवाइड कर दो तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद में 10 सेकंड रूल, अभी जो ईसीजी है वो 10 सेकंड का रिदम अपने साथ में रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ बीट्स जितने हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करना है फॉर इरेगुलर रिदम्स के लिए। अभी देखिए, ये देख रहा है आपको ईसीजी, बहुत ही इसमें वेरिएशन है। अभी इसमें 33, ये जो नीचे का लीड है V1 जो जिसको हमने डिनोट किया है, तो V1 में कितने हैं, तो 33 QRS आ रहे हैं,
हम काउंट भी करके देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 बराबर QRS उसमें है। तो उसको 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 198 हार्ट रेट आया है इसका, ठीक है। तो ये है रूल, जब इरेगुलर रिदम रहेगा, जब आपको समझेगा नहीं कि क्या करना है, तब इससे आपको बहुत जल्दी से, बहुत इजीली आपको हार्ट रेट मिल जाएगा। 33 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 6, रूल ऑफ 6 ध्यान में रखिए, 6 से आपको मल्टीप्लाई करना है QRS नंबर को। उसके बाद में ये आपने हार्ट रेट देखा, इसमें कितना आ रहा है, ठीक है। अभी ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, अभी इसमें देखिएगा आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 उसमें QRS आ रहे हैं, तो उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो 6 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 10 × 60, 10 × 6, 60, है ना। तो 60 हार्ट रेट आ रहा है, ठीक। तो ऐसे हम उसको ये कर सकते, अभी ये 6 सेकंड का स्ट्रिप है, हमें चाहिए 10 सेकंड का स्ट्रिप। अभी इसमें इन्होंने जो दिखाए वो 3-3 सेकंड के दो स्ट्रिप दिए, यानी 6 सेकंड का स्ट्रिप है, ठीक। अभी हमें 10 सेकंड का स्ट्रिप चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें हम जो बोल रहे हार्ट रेट की, 10 तो QRS आ रहे हैं, लेकिन ये 6 सेकंड में ही है, हमें 10 सेकंड में चाहिए, ठीक है। अभी इसमें आप हार्ट रेट कैलकुलेट कीजिए, है ना। तो इसमें जो लास्ट में है उसमें QRS कैलकुलेट कर के देखिए, उसमें टैकीकार्डिया है ना। तो इसमें अपन ने जितने QRS है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसमें अभी आप अपन देखेंगे ए में, एग्जांपल ए में अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 QRS है, तो 10 तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको 6 × 5 से, बराबर है, फार्मूला आपका ध्यान में आ गया, है ना। 6 × 5, 30 हो गया। तो इसमें 30 हार्ट रेट, अभी आप लार्ज बॉक्स से अगर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लार्ज बॉक्स है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लार्ज बॉक्स है। तो 300 डिवाइडेड बाय 6, इसका 50 का हार्ट रेट आएगा, है ना। तो ये 10 सेकंड का स्ट्रिप नहीं है इसका मतलब, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो जब लॉन्ग स्ट्रिप मिलती है, पूरी 10 सेकंड की मिलेगी, तभी आप मल्टीप्लाई बाय 6 ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर वो 10 सेकंड की स्ट्रिप नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 6 वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। और जो जनरली मल्टीप्लाई बाय 6 वाला फार्मूला है वो इरेगुलर हार्ट रेट के लिए है, यानी एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, साइनस अरिथमिया हो गया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया, एट्रियल फ्लटर हो गया, तो उस चीज़ों के लिए ये फार्मूला है, ठीक। उसके बाद में QRS एक्स, द QRS एक्सिस रिप्रेजेंट द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ हार्ट इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। अभी एबनॉर्मलिटीज कितने किसमें होगी, वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट में होगी, कंडक्शन ब्लॉक में होगी, वो QRS एक्सिस से हमें पता चलता है। तो ये QRS एक्सिस, नॉर्मल जो QRS एक्सिस होता है वो -30 to +90 तक होता है, और -30 से -90 तक रहा तो उसको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन बोलते हैं, अगर वो +90 to +180 रहा तो उसको राइट एक्सिस डेविएशन बोलते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, लेफ्ट एक्सिस, राइट एक्सिस, ये जो डेविएशन होता है वो उसके बारे में, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखें, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन और राइट एक्सिस डेविएशन। उसके बाद में एक्सिस कैसा आता है, तो क्वाड्रेंट अप्रोच से पता चलेगा या इक्विफेजिक अप्रोच से पता चलेगा, या ECG का एक्सिस, यानी लेफ्ट एक्सिस है, राइट एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, वो हमें देखने के लिए ये ECG। अभी हम दो उसमें अप्रोच है, क्वाड्रेंट अप्रोच है, इक्विफेजिक अप्रोच है। अभी एक्सिस देखेंगे तो इसमें QRS ऊपर की तरफ जा रहा है, इस दूसरे इसमें नीचे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और इसमें आधा ऊपर आधा नीचे है। तो हम आगे वाले, पहले वाले को प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव, दूसरे वाले को प्रीडोमिनेंटली निगेटिव,
और तीसरे वाले को इक्विफेजिक मान के चल रहे, अभी मान के चल रहे, आगे बताते कि कैसा आता है, ठीक है। अभी क्वाड्रेंट अप्रोच देखिए, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन लीड वन और एवीएफ हमें देखना है। अभी ये दोनों प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये हमें देखना है, और कॉम्बिनेशन शुड बी, और उनका कॉम्बिनेशन हमें बताना है। अभी समझो पॉजिटिव एक्सिस हमें देखना है, तो उसके हिसाब से लीड वन और एवीएफ हमें देखना है, ये ध्यान में रखिए। आगे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेंट अप्रोच ये है कि अगर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, इफ द क्यूआरएस इन लीड टू इज पॉजिटिव टू द लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इज नॉन पैथोलॉजिक और द एक्सिस इज नॉर्मल, इफ नेगेटिव इट इज पैथोलॉजिकल, ठीक। ये हम आपको समझाते आगे, अभी नहीं समझेगा इसमें। हाँ अभी देखिए, अभी लीड वन है तो इसमें क्यूआरएस ज़्यादा नेगेटिव है, और लीड एवीएफ है इसमें क्यूआरएस ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव है, तो वन और एवीएफ एक दूसरे की तरफ रीच कर रहे हैं, आप ध्यान में रखिए। रीचिंग है वन और एवीएफ तो राइट एक्सिस डेविएशन हो जाएगा। लीड और एवीएफ के क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर एक दूसरे की तरफ रीच कर रहे हैं, यानी वन का नेगेटिव है और एवीएफ का पॉजिटिव है, तो एक दूसरे की तरफ वो देख रहे हैं, जा रहे हैं उनके क्यूआरएस, तो उसको हम राइट एक्सिस डेविएशन बोलेंगे। अभी ये देखिए, लीड वन का ऊपर की तरफ जा रहा है क्यूआरएस, और एवीएफ का नेगेटिव तरफ जा रहे, एक दूसरे से दूर जा रहे, और लीड टू में प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव है, तो ये लीविंग कर रहे हैं, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है या नॉन पैथोलॉजिकल लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। लेकिन ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हम ऐसा मान के लीविंग है, दोनों एक दूसरे के दूर जा रहे तो ये लीविंग है, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अभी इक्विफेजिक अप्रोच क्या है, मोस्ट इक्विफेजिक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अभी देखना है। आइडेंटिफाइड लीड लाइज 90 डिग्री अवे फ्रॉम द लीड, और क्यूआरएस इन दिस सेकंड लीड इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो देखना है। इक्विफेजिक यानी जो सबसे कम उसमें वेरिएशन है, यानी उसका क्यूआरएस में ऊपर का आर और नीचे का एस सेम लेंथ का है, तो उसका जो है वो जो लीड रहेगा उसका 90 डिग्री वाला जो रहेगा उसमें क्यूआरएस कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके ऊपर इसका एक्सिस पता चलेगा। अभी देखते हैं, तो सबसे पहले ये देखने के लिए हमें सबके एक्सिस याद रहने चाहिए। तो वन का 0 डिग्री है, टू का 60 डिग्री है, एवीएफ का प्लस 90 डिग्री है, थ्री का 120 डिग्री है, बाद में एवीआर का माइनस 150 डिग्री। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए, एवीएल माइनस 30 डिग्री है, तो एवीआर जो सबसे निगेटिव है वो किसी का नहीं है, हमने पहले भी ध्यान उसको एवीआर को देखा था कि उसके सब लीड निगेटिव है, वो माइनस 150 डिग्री है और किसी का नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी क्यूआरएस एक्सिस इसमें देखिए माइनस 30 डिग्री आया है, तो कैसे आया है क्यूआरएस एक्सिस, तो उन्होंने लीड वन दिखाया अपने को, लीड टू दिखाया है और लीड थ्री दिखाया है, ठीक है। अभी इसमें इक्विफेजिक लीड अगर अपन मान के चलेंगे तो लीड टू है, यानी जिसका क्यू और आर और एस सेम डायरेक्शन का है। अभी लीड टू का जो है 90 डिग्री वाला कौन है, तो लीड टू का जो 90 डिग्री अपोजिट है वो रहेगा प्लस 60 इसका है, तो उससे लीड 90 डिग्री कौन सा रहेगा, एवीएल रहेगा, है ना, लीड टू का 90 डिग्री अपोजिट, तो उसका माइनस 30 डिग्री एक्सिस आ गया। समझ गए आपको कि जो लीड टू से 90 डिग्री दूर कौन है, वो है माइनस 30, तो माइनस 30 जो रहेगा वो इसका एक्सिस आ गया, ये इसी चीज का है ना। तो ऐसे आपको एक्सिस निकालते आना चाहिए, और ये है दूसरा अप्रोच, ठीक है। अभी देखें, इसमें देखें, इसमें इक्विफेजिक लीड कौन सा है, तो इसमें इक्विफेजिक लीड है लीड वन,
लीड वन इक्विफेजिक है। अभी ये इक्विफेजिक का ये अब लीड वन का इक्विफेजिक कौन सा है, तो AVF है। उसका एक्सिस क्या है, प्लस 90 डिग्री, तो इसका एक्सिस प्लस 90 डिग्री आ गया, है ना। तो ऐसा हमें ध्यान में रखना है। तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि किसका एक्सिस, लीड वन अगर एक्सिस आता है तो उसका इक्विफेजिक कौन सा है, 90 डिग्री वाला कौन सा है, फिर वो इक्विफेजिक जो आता है उसका एक्सिस कितना है, वो इसमें हमें देखना है। तो ये समझने के लिए आपको फिर से ये एक बार डायग्राम अच्छे से याद करना पड़ेगा, ये बार बार पेपर पे निकाल के बना के देखना पड़ेगा। ये डायग्राम ECG का एक्सिस ढूंढने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अभी फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। -30 इज AVL, 1 इज 0 डिग्री, 2 इज प्लस 60 डिग्री, AVF इज प्लस 90 डिग्री, लीड 3 इज 120 डिग्री, देन AVR इज -150 डिग्री, ठीक है। AVR इज -150 डिग्री। अभी ये हो गया, इसके बाद में ये इसमें ठीक है, इसमें अलग अलग इसमें इन्होंने दिखाया कि कैसे एक्सिस आते हैं, है ना। तो आगे हम एग्जांपल की अभी देखिए इक्विफेजिक अप्रोच, अभी इसमें इक्विफेजिक कौन है, इक्विफेजिक है AVF, तो AVF का 90 डिग्री वाला कौन है, AVF का 90 डिग्री वाला कौन है। अभी समझो AVF देखेंगे, हम अपने डायग्राम में देखेंगे AVF का 90 डिग्री वाला है वन, लीड वन यानी 0 डिग्री, है ना। तो इसका फिर एक्सिस कैसे आ रहा है, एक्सिस आ रहा है 0 डिग्री, है ना। तो 0 डिग्री कौन से एक्सिस में आता है, तो हम इसमें एक हमने ये देखा था, कहाँ पे गया अभी, हाँ ये वाला। तो 0 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, नॉर्मल एक्सिस में आ रहा है, लेफ्ट एक्सिस आ रहा है -30 to -90 में, नॉर्मल एक्सिस आ रहा है -30 to +90 में, और राइट एक्सिस डेविएशन आ रहा है +90 to +180 डिग्री में। तो ये एक्सिस अप्रोच है। ECG का एक्सिस कैसे है, कितना एक्सिस आ रहा है, ये उसके लिए है। ये आगे आगे कैसे इम्पोर्टेंट होगा, कैसे अपने को बेनिफिशियल होगा, ये आगे आगे हम आपको बताएंगे, ठीक। अभी ब्रैडी अरिदमिया यानी हार्ट रेट जिसमें कम रहता है वो उसके ऊपर हम जाने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पहले सबसे पहले आपको ब्रैडी अरिदमिया ये लेक्चर में चालू करने से पहले आपको ये बताना चाहिए कि ब्रैडी कार्डिया कितना है। तो हार्ट रेट 60 से अगर नीचे है तो ब्रैडी कार्डिया है, अगर 100 के ऊपर है तो टैकीकार्डिया। तो ये कंसेप्ट आपकी पहले अच्छी होनी चाहिए। और नॉर्मल हार्ट रेट जिसे हम मान के चल रहे वो 60 to 100 है, ठीक है। तो ये है, उसमें ब्रैडी अरिदमिया का क्लासिफिकेशन उन्होंने बोला है, साइनस ब्रैडी कार्डिया, जंक्शनल रिदम, साइनोएट्रियल ब्लॉक, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, ये अलग अलग उसके टाइप है, ठीक है। ये आगे हम बताएंगे। अभी हमने कंडक्शन सिस्टम देखा था हार्ट का, साइनोएट्रियल नोड सबसे ऊपर बैठा है, बॉस है, उसके बाद में AV नोड, उसके बाद में बंडल ऑफ हिज, और उसके बाद में बंडल ब्रांचेस। ये चार स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जिसमें इम्पल्स कंडक्ट होता है। तो इम्पल्स कंडक्ट हो के बाद में वो लास्ट में बंडल ब्रांचेस के साथ में जाता है। अभी साइनस ब्रैडीकार्डिया देखिए, इसमें देखिए हार्ट रेट आ रहा है 60, आप फार्मूला यूज़ कीजिए। बिग बॉक्सेस देखिए, 300 डिवाइडेड बाय बिग बॉक्सेस, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ऑलमोस्ट 6 के आसपास, यानी 60 से नीचे हार्ट रेट। रिदम रेगुलर है, पी वेव्स बिफोर ईच QRS आइडेंटिफाई है, इसलिए ये साइनस रिदम बोल सकते हैं। अभी PR इंटरवल, पी और R के बीच में कितना गैप है वो हमें PR इंटरवल करके पता चलेगा, वो 0.12 to 0.20 सेकंड होना चाहिए, और QRS लेस देन 0.12 सेकंड है, तो ये भी हमें पता चल गया, ठीक। साइनस ब्रैडीकार्डिया,
तो साइनस ब्राडीकार्डिया यानी जैसा कि अब ये ईसीजी हमने डिस्कस किया, हार्ट रेट 60 से कम है, रिदम रेगुलर है, पी वेव्स बिफोर ईस्ट क्यूआरएस दिख रही है और आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजी की है, पीआर इंटरवल 0.12 टू 0.20 सेकंड के बीच में है और क्यूआरएस जो है वो भी 0.12 के बीच में है। तो नॉर्मल पीआर हमने रिवाइज करते हैं 0.12 टू 0.20 सेकंड रहता है और नॉर्मल क्यूआरएस जो रहता है वो 0.12 से कम रहता है, हमने देखा है स्टार्टिंग में। ये बीच बीच में आपको रिवाइज करना जरूरी होगा कि पी वेव कौन सी है, पीआर इंटरवल कितना रहेगा, क्यूआरएस इंटरवल कितना रहेगा, एसटी सेगमेंट क्या रहेगा, क्यूटी इंटरवल क्या रहेगा, तब आप अच्छा ईसीजी पढ़ पाओगे, तब आप अच्छा ईसीजी आगे बढ़ पाओगे। चलो आगे देखते हैं जंक्शनल रिदम। जंक्शनल रिदम इसमें पी वेव्स नहीं दिखेगा या फिर एबसेंट रहेगा या फिर क्यूआरएस के बाद में दिखेगा। इसमें हार्ट रेट जनरली 40 टू 60 रहेगा, रिदम रेगुलर रहेगा यानी जो आरआर इंटरवल है वो सेम ड्यूरेशन पे रहेगा। पी वेव्स एक तो इन्वर्टेड रहेगा जैसा कि इसमें दिख रहा है, या फिर एबसेंट रहेगा जैसा ऊपर वाले में दिख रहा है, या फिर क्यूआरएस के बाद में दिखेगा, है ना, जैसा इसमें दिख रहा है, नीचे वाले में दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है, नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। और पीआर इंटरवल लेस देन 0.12 सेकंड होगा और क्यूआरएस लेस देन 0.12 सेकंड होगा। तो दोनों इसमें पीआर इंटरवल और क्यूआरएस इंटरवल दोनों कम रहेंगे जंक्शनल रिदम, ये ध्यान में रखिएगा, ये आगे अपने को काम में आएगा जैसे जैसे आपका ईसीजी का नॉलेज बढ़ेगा। तो अभी साइनो एट्रियल ब्लॉक तो साइनस इम्पल्स इज कंडक्टेड विद इन एसए जंक्शन बिटवीन एसए नोड एंड सराउंडिंग मायोकार्डियम, एब्सेंस ऑफ कंप्लीट कार्डियक साइकिल, ऑकर्स इरेगुलरली एंड अनप्रेडिक्टेबली, प्रेजेंट इन यंग एथलीट्स, डिजिटलिस इंटॉक्सिकेशन, डिजिटलिक एक ड्रग है जिसे हम डिगोक्सिन, डिजिटलिस ये सेम क्लास के, हाइपोकैलेमिया यानी पोटेशियम कम हो जाना, सिक्स एंड्रेस सिंड्रोम यानी कंडक्शन सिस्टम का ये एक बीमारी है, ये आपको आगे पता चलेगा। तो अभी ये ईसीजी में साइनो एट्रियल ब्लॉक में आपको पता चल रहा है कि हार्ट रेट कम है, कम तो है, बाद में अचानक से ऐसा लग रहा है कि हार्ट स्टॉप ही हुआ और दोनों क्यूआरएस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया। तो ये गैप क्यों आता है, एसए ब्लॉक क्या होता है, एवी ब्लॉक क्या होता है, ये हम आगे की इसमें डिस्कस करने वाले, लेकिन अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं। तो ये ईसीजी बेसिक्स पार्ट 3 लेक्चर है, आगे के इसमें एवी ब्लॉक्स क्या है, फर्स्ट डिग्री ए ब्लॉक, सेकंड डिग्री ए ब्लॉक, बाकी के हार्ट के ब्लॉक्स और बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी ईसीजी में हमारी बाकी है, तो हम वो देखेंगे। लेकिन मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सबसे पहले जो पुराने पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो देखिए, पार्ट 3 अभी आप देखेंगे, तो ये तीनों अगर आप एक बार देख के हो गए तब फिर पार्ट 4 को देखना चालू कीजिए। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल और साथ में, हाँ, बेसिक चेस्ट पेन मैनेजमेंट इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट का एक वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पे डाली है, वो भी आप देख सकते हैं, ज़रूर उसका वीडियो वो भी देखिए, आपको उससे फ़ायदा होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।